आग से खाक हुई नगरपालिका सीतापुर की महत्वपूर्ण फाइलें। नगरपालिका परिषद में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। नगरपालिका परिषद के स्टोर रूम में लगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फाइलें रखी हुई थी जो जलकर राख हुई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग कैसे लगी फिलहाल इन कारणों का पता नहीं लग पाया है और स्टोर रूम में रखी फाइलें व सामग्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं जब इस मामले पर मौके पर पहुंचे नगरपालिका के अधिशासी अभिनेता गुरु प्रसाद से बात की गई, तो उन्होंने बताया आग स्टोर रूम में लगी है, रिकॉर्ड रूम में नहीं। स्टोर रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ है। वो तो बाहर थे और कूड़े में जले हुए थे, इससे इसका संबंध नहीं है। अच्छा। तो वो कूड़ा जो था वो जला हुआ था, तो लेकिन ये है कि हमारे हम तो थे नहीं उस समय, तो जब जला था तो उसमें मैंने चूंकि शिकायत आएगी तो जांच हुई गई, लेकिन ये तो स्टोर रूम की बात है तो इसका जाता है। लेकिन अब वो वायर्स हैं, अब वायर्स में लूज वायर्स थे, पुरानी बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग में फिटिंग अच्छी तरीके से है नहीं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वायर्स जो है वो पूरी तरीके से कहीं डैमेज देख रहे हैं। अब उसी से लगता है आग धीमे धीमे लगी। देखते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट जले हुए और कितने अभी बचे हुए हैं, और डॉक्यूमेंट नहीं जले हैं। इसमें दरअसल स्टोर में वो सामान होता है जो कि यूज़ के लिए निर्गत किया जाना होता है। सबसे पहले स्टोर रूम पे वो है। स्टोर का मतलब है जैसे कि रजिस्टर हमारे 15 है, तो आप हमारे यहाँ संपत्ति लिपिक है, तो आपको हम आप हमसे मांगेंगे कोई रजिस्टर स्टेशनरी, वो स्टेशनरी जली थी। डॉक्यूमेंट्स में अभी इसमें आग नहीं लगी थी। हाँ, वो भी बचा हुआ है, लेकिन जो डैमेज है, डैमेज हमारे स्टोर रूम में, और स्टोर रूम में जो डैमेज है वो दरअसल वो स्टेशनरी का है जो कि इशू किया जाना है।